हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंग्री में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहां मैंने 4 से 5 बॉयल आलू लिया हुआ है जो मैंने पहले से मैश कर लिया है। 1 कप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, सॉल्ट यानी कि नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस, ग्रीन कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, हींग या मैंने एवरेस्ट का हींग लिया है। बटाटा वड़ा की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के टमाटर चीर लगाए हुए जो कि मैंने पहले से बॉयल कर लिया है, पीनट यानी कि मूंगफली रोस्ट किए हुए, मस्टर्ड सीड यानी कि ड्राई, 4 से 5 रेड चिली यानी कि लाल मिर्च। चलिए बटाटा वड़ा की स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस को कर लिया है ऑन। यहाँ रखेंगे एक पैन, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड यानी कि राई, 1/2 टेबल स्पून, अब हम इसमें डालेंगे बॉयल आलू जो कि मैंने पहले से रख लिया है बॉयल करके, 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, ग्रीन कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, चुटकी भर हींग। अगर आपको पसंद है तो ही हींग डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानी कि भून लेंगे। स्टफिंग हो चुका है हमारा रेडी। गैस कर लेते हैं आप। जब तक हमारा स्टफिंग तैयार होता है तब तक हम कोटिंग के लिए ग्राम फ्लोर का थिक सा घोल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन यानी कि नींबू, 1/2 टेबल स्पून ताकि बेसन में कोई लम्स ना बने। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी ठीक हो गई है। हमें इसे ठीक ही रखना है। पेस्ट हो गया हमारा रेडी। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारे बॉल हमें बना लेने हैं। बटाटे वड़े के बॉल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे कोटिंग करके डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रख लिया है जिसमें मैंने तेल गरम कर लिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हो गया है या नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है करके हम वड़े को कोट करके कढ़ाई में
छोड़ते जाएं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। एक साइड से ये फ्राई हो चुका है। बटाटे बड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। हम ये छन्नी की हेल्प से छान लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं। बटाटे बड़े पकाने के लिए हमें फ्राई करने के लिए स्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगता है। हमने एक एक करके निकाल लेंगे, पैन के छान लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये है हमारा स्ट्रीट स्टाइल बटाटा बड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।